गाइस चेक करो अंश को क्या मिला यहाँ पे, रेस्क्यू कर लिया। यहाँ से जा रहे थे पार्क में चक्कर लगा रहे थे हम सारे, तो हमें यहाँ पे ना मेरे को देना। इसके पीछे कुत्ता लगा। अब आलू को कर दी मैं फ्राई, थोड़े मसाले डाल के अच्छी तरह से भी बाल थोड़े। इसके साथ कौन सा ब्लॉगर मिला था यहाँ पे? राजा डीसी यहीं पे बैठा था गाइस इसके साथ, राजा डीसी, जहाँ पे इसने राजा डीसी के साथ कॉफी शेयर की थी यहाँ पे। गाइस चेक कर सकते हैं आप, पायू आज कहाँ बैठा हुआ? हाँ क्या है? चींटियां। अभी मेरे को पहले इसका रिव्यू दो कि कॉफी कैसी लग रही है आपको? हाँ अकेला ही बैठा हुआ, क्या चक्कर है? मम्मा को नहीं पिलाई? आई नहीं रहे। और कहाँ बैठे हो भैया के पास आप, यहाँ से हर बारी पीते हो? हाँ यहाँ पे आपके साथ कौन सा ब्लॉगर मिला था यहाँ पे? राजा डीसी यहीं पे बैठा था गाइस इसके साथ, राजा डीसी, जहाँ पे इसने राजा डीसी के साथ कॉफी शेयर की थी यहाँ पे। और ये भैया का सेटअप, यहाँ पे आप मेरा ब्लॉग में काफी बार देख चुके हो, और भैया यहाँ के ऑनर भी है भैया, ये हाँ ये भैया हमारे यहाँ पे ऑनर बैठे हुए हैं, और हम हर बारी इनके पास आते हैं और आयु यहाँ पे कॉफ़ी पीता ही पीता है। चलो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस चेक करो अंश को क्या मिला यहाँ पे, रेस्क्यू कर लिया। यहाँ से जा रहे थे पार्क में चक्कर लगा रहे थे हम सारे, तो हमें यहाँ पे ना मेरे को देना। इसके पीछे कुत्ता लगा, कबूतर, हमें यहाँ पे कबूतर मिला एक। देखो कबूतर को पंख पंख टूट गया इसका। यार मैं उठा लूंगा। गाइस देखो ये घायल हो चुका है, और मेरे को लग रहा है इसको करंट पड़ा है। नहीं करंट पड़ा या कुछ तो हुआ, या कुत्तों ने नोचा हुआ थोड़ा सा, कुछ तो उसके चक्कर में हुआ है। गाइस चेक करो, गाइस शुक्र है इसको हम मिल गए। अब हम इसको पूरा इसको हम वो करेंगे, इसको मरने मत देना। नहीं मरने दूंगा। चलो फिर ले चलते घर पे, है ना? अभी हम इसको लेके जा रहे हैं गाइस घर पे, और अंश रखेगा अपने तोता हरे के साथ। सैले के साथ रखूंगा, सैले के साथ, सैले के साथ घर पे रखेंगे इसको, रेस्क्यू करेंगे गाइस। और ये हमें मिल गया, इसका नामकरण इधर ही करेंगे हम, नामकरण उड़ा देंगे इसको यार, ठीक करके। नामकरण जब होगा तब आपको पार्टी भी बुलाया जाएगा। और गाइस ये चेक करो, ये है हमारा बेचारा यार, वो सैला था, अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, बट ये बच जाएगा, बचा हुआ है, बच जाएगा, अभी बच जाएगा। शुक्र कुत्ते के हाथ नहीं चढ़ गए, हम थे इधर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे काट रहा नहीं कुत्ता, लगा वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, डरा हुआ है ना इस वक्त। डर मत तू भाई, मैं हूँ ना तेरे साथ, टेंशन क्यों ले रहा है? हम तेरे को मिल गए वो। गाइस अभी हम पार्क में सैर कर रहे थे, पार्क में सैर करते हुए ये हमें मिला और रेस्क्यू कर लिया हमने इसको, हमने साले के साथ रखोगे इसको, ठीक है? और चलो देखिए आज मैं आयु के लिए बना रही हूँ पुलाव, और बोल रहा है मुझे कि सिर्फ आलू डाल के ही मुझे बना के देना, बाकी प्याज ना, कोई मटर ना कुछ, और कोई वेजिटेबल्स नहीं डालना सिर्फ। वो पसंद है, बोल रहा है जल्दी जल्दी मम्मा आलू वाले चावल बना के दो, मैंने खाने हैं, मेरा मन कर रहा है, और कोई मटर वगैरह और कोई सब्जी नहीं डालना, तभी मैं आलू सिर्फ डाल के उसको बना के दे दूँ चावल। और ये रख दिया मैंने यहाँ पे कुकर, इस कुकर में मैं बनाऊंगी चावल। मैंने लगा दिए गैस, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पसंद तो मुझे भी है, बट मैं इतना खाती नहीं हूँ। अब इसमें पानी है, पानी को सूखने दो थोड़ा सा, फिर मैं डालूंगी तेल। तब तक मैं आलू को काट के धो के फिर चावल को धोगी फिर बनाऊंगी। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा तेल, डाल दिया, और मैंने आलू को धो दिया अच्छी तरह से, और अभी ये चावल भी धोने वाली हूँ। चावल को मैंने धो दिया अच्छी तरह से, और अभी मैं तेल भी हो चुका है गरम, अभी इसमें डालूंगी थोड़ी हल्दी मिर्ची, और जब बन जाते हैं ना गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने मेरे चावल, नमकीन चावल। अब आलू को कर दी मैं फ्राई, थोड़े मसाले डाल के अच्छी तरह से उबाल दी, थोड़े फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चावल। मैं सोच रही थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, बट आई को चिल्ली ना लगे,
बाद में चिल्लाएगा मम्मा ने चिल्ली डाल दी, चिल्ली डाल दी। आलू की फ्राई कर, अब मैं डाल दूँ इसमें चावल, मैंने इसमें डाल दिए चावल और चावल भी थोड़े से फ्राई होंगे, उसके बाद इसमें डाल दूँगी पानी और पानी डाल के करूँगी कुकर को बंद। मैंने डाल दिया इसमें पानी, अब मैं कुकर को करूँगी बंद और एक दो सीटी में फिर बन जाएंगे चावल। कुकर को कर दिया बंद, अब सीटी लगने की देरी है। आप देख रहे होंगे कितना छोटा सा कुकर है, पर इसमें एक या दो गिलास चावल बन जाते हैं। हम तीन जने हैं, हमारे कितने चावल बनेंगे। हम वैसे चावल डेली नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। वैसे हम ज़्यादा रोटी खाते हैं, चपाती वगैरह। आयु ने क्या बोला आज खाने के लिए मम्मा को? पीले चावल, जिसको डोगरी में बोलते हैं पीले चावल। डोगरी में नहीं बोलते, बड़े लोग बोलते हैं। और मेरी बात सुन, आलू वाले ही खाने थे ना, मैंने आलू वाले ही बनाए हैं। और कोई नहीं डालनी थी सब्जी, मैंने नहीं डाली, मैंने सिर्फ आलू वाले बनाए। और अब देखो कैसे लगते हैं, मिर्ची पता नहीं अब ज्यादा नहीं हो गई। और जब खाएगा तो आयु फिर आपको क्या करेगा बताओगे, टेस्टी बने हैं क्या?